दीवान शत्रुघ्न सिंह जी अमर हो, पंडित परमानंद जी अमर हो, अताउल्ला खान साहब अमर हो, अताउल्ला खान साहब स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, तेरा हिंद मुलायम सिंह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, 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 किसानों के मसीहा मुलायम सिंह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, के मसीहा मुलायम सिंह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, राज की जनता जिंदाबाद, 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 राज की जनता जिंदाबाद, 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 राजपूत जनवती वर्मा जिंदाबाद, 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 राजपूत जनवती वर्मा जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 राजपूत चंद्रवती वर्मा जिंदाबाद, 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 राजपूत चंद्रवती वर्मा जिंदाबाद, 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 राजपूत चंद्रवती वर्मा जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी 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 जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 जय जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय जय अखिलेश, भैया जिंदाबाद, 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद, 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद, सामने से हट जाओ, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, 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 जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, स्वामी जी अमर रहे, स्वामी जी अमर रहे, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, हट जाओ, हट जाओ, जय 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 अखिलेश, अखिलेश भैया जिंदाबाद, 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद, 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 थोड़ा आप लोग सब साइड से आ जाओ साथियों,
बैठ जाओ, हट जाओ, इधर इधर आ जाओ, पीछे हट जाओ। जी भैया, नाम लिख के दो। लो अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। हेलो साथियों, अरे साथियों, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। एक पेपर दो, पेपर पेपर ले आओ प्रवेश से। पेपर में नाम लिखो, सबसे लिखो लिखो, आप लिखो, आप लिखो, सबके लिखो। डॉक्टर अमरेश कुमारी, चलो अपना लिखो, नंबर एक से लो। साथियों, आज बड़े हर्ष की बात है, बड़े खुशी की बात है कि हमारे आपके सबके महबूब नेता सीरी जुबान के मालिक, तरक्की याफ्ता सोच रखने वाले, आला इखलाक पसंद, इंसाफ परस्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, आपका हमारे इस स्वामी ब्रह्मानंद दीवान शत्रुघ्न सिंह जी, पंडित परमानंद जी, अताउल्लाह खान साहब की इस राष्ट्र नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अपने राज विधानसभा के प्रत्याशी राजपूत चंद्रवती वर्मा जी से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो आए मंच पर, आए, मैं निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम बुंदेलखंड के क्षेत्र की शिक्षा की अलग जिलाने वाले परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में वंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मंच पर विराजमान पूर्व मुख्यमंत्री श्री दूराम लोधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रामदा दद्दा जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ के ना माइक की। आवाज आ रही। यह मंच पर विराजमान हमारे
यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस पावन धरती में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मंच पर राजसीन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। सूरज नन्ना जी का बहुत बहुत स्वागत। मंचसीन नाम जय दीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमरेश कुमारी दीदी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला अध्यक्ष जी नीलम दीदी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का पदाधिकारी जितने भी यहाँ उपस्थित थे, हमारे पास टाइम बहुत कम है, सभी का हृदय की गहराइयों से राजभूषणवती वर्मा सभी का अभिनंदन करती है, वंदन करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों, ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, ये लड़ाई है हजार लाखों युवाओं की जो बेरोजगार यहाँ घूम रहा है उनको बेरोजगार दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है उन बच्चों की जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, युवाओं की जो शिक्षा नहीं पा पाते उनको शिक्षा दिलाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है उन अब स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारने के लिए, जो कि अगर रात में कुछ हो जाता है तो नहीं आ रहा। आवाज ठीक करो यार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चालाने बोलूंगी कि घर घर में खुशहाली होगी, राजसपा का आएगा। घर घर में खुशहाली होगी, राजसपा का आएगा। सुनती की जनता कहती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक शेर के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाना चाहूंगा कि वतन के नाम पर मिट जाना इनकी शान है, वतन के नाम पर मिट जाना इनकी शान है। ये समाजवादी है, समाजवाद इनकी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी भवानंद जी महाराज उनकी त्याग और तपस्या की वजह से और उनके लगातार परिश्रम की मेहनत से ये इतनी बड़ी संस्था खड़ी है। मैं सबसे पहले त्याग मूर्ति स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जी को प्रणाम कर करके उनको मैं याद भी करता हूं। उनके प्रयासों से ही न जाने कितने लोगों को इस संस्था में पढ़ने का और आगे बढ़ने का मौका मिला होगा। हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय रामाधार सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय चौधरी घुराम लोधी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर अमरीश कुमारी जी, अनिल अहिरवार पूर्व विधायक जी, पूर्व विधायक गैरुद्दीन अनुरागी जी, राम कृष्ण जी, श्रीमती चंद्रकांता लोधी जी, जमील राठवी शायर साहब, यशेंद्र राजपूत जी, पुष्पेंद्र यादव जी, यहां पर समाजवादी पार्टी के उपस्थित सतपाल और हमारे अंबेडकर वाहिनी के प्रदेश के अध्यक्ष उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी साथी जो मंच पर उपस्थित है, सभी पदाधिकारीगण इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं जोश और उत्साह देख रहा हूं, ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है,
ये बदलाव का उत्साह है, ये लोग वो हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को देखना चाहते हैं कि खुशहाली के रास्ते पर जाए। मैं अभी झांसी के एक कार्यक्रम में शामिल होकर के आया हूं, झांसी होकर के आपके बीच में पहुंचा हूं। झांसी के लोग तो झांसे में नहीं फंसने वाले, झांसी के लोगों ने तो ऐलान कर दिया है कि अब वो झांसे में फंसने वाले नहीं है। बताओ यहां के लोग, कहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे में तो नहीं आ जाओगे? इधर बुंदेलखंड के लोगों ने जितना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, इतना समर्थन कभी मिल सकता है? 14 का चुनाव रहा हो, 17 का चुनाव रहा हो, 19 का चुनाव रहा हो, इतना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिल सकता था जितना है। लेकिन इस बार जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड में, ये बुंदेलखंड के लोगों का विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। सोचो कभी कि डबल इंजन की सरकार ने आपको क्या दिया। यहां तो बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोग होंगे, हमें नौजवान भी दिखाई दे रहे हैं। किसान भाई, आप तो नहीं भूल गए कि ये बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, आय दोगुनी हो गई? किसी फसल की अगर कीमत दे पाई हो सरकार तो बताओ, फसल की कीमत मिल गई कि नहीं मिली? और अन्ना जानवर की समस्या समाधान हो गया? अन्ना जानवर के लिए खाए खर्च नहीं किए। जब जब मुख्यमंत्री बुंदेलखंड आए, वो यही कह के गए कि बुंदेलखंड की सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यहां की जनता ने भरपूर वोट दिया। बताओ भरपूर समर्थन मिला उन्हें कि नहीं मिला? आज जब पीछे मुड़ करके देखो तो बताओ इन्होंने आपसे झूठ बोला कि नहीं बोला? इनके नेताओं का भाषण याद कीजिए, अगर इनका कोई छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, और अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। बताओ आपके साथ झूठ बोला गया कि नहीं बोला गया? और मुझे लगता है कि असली सरप्राइज अगर कहीं होने वाला है तो बुंदेलखंड में होने वाला है, चमत्कार होने वाला है कि नहीं बुंदेलखंड में? इस बार बदलाव का चमत्कार होना है कि नहीं होना है? ये लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत हो गई है, गर्मी उतार देंगे। सुना भाषण के नहीं सुना उनका? और जब से पहले चरण का चुनाव पड़ा है वोट, पहले चरण का जिस समय वोट पड़ गया, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं, और हमें यह समर्थन बता रहा है कि इस बार जब
बुंदेलखंड में वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न हो जाएंगे। यहां पर विज्ञापन तो मैं नहीं देख रहा हूं बड़े बड़े नौकरी और रोजगार के, लेकिन लखनऊ और दिल्ली में विज्ञापन बड़े बड़े लगे हुए हैं कि नौजवानों को नौकरी मिल गई है। यहां नौजवान बुंदेलखंड के पढ़े लिखे हमें दिखाई दे रहे हैं। बताओ नौजवानों, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गई कि नहीं हो गई? और ये बीटी टीटी वाले ये तख्ती लेकर के घूम रहे हैं कितने दिनों से? बताओ कितनी बार ज्ञापन देना पड़ा आपको? ज्ञापन दिए कि नहीं दिए? क्या मिला आपको इनकी सरकार में? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? बताओ ये शामिल किया कि नहीं किया हमने? इसलिए ये नौजवान बीटी टीटी वाले हैं, पिछले कितने वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी। और मुझे खुशी है इस बात का कि समाजवादी पार्टी के वचन पत्र का आप आभार प्रकट करने आए हो। न केवल आप, बल्कि चाहे वो हमारे शिक्षा मित्र हों, रोजगार सेवक हों, चाहे 69,000 वाले हों, या और इसी तरह के जितनी भी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने उलझाई या परीक्षा रद्द की या क्वेश्चन पेपर लीक किया, समाजवादी सरकार आएगी, इन सब का समाधान करने का काम हम लोग करेंगे। न केवल समाधान करेंगे बल्कि 11 लाख सरकारी पद खाली हैं, सरकारी नौकरियों के, उन 11 लाख पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर बीजेपी वाले बहुत घबराए हुए हैं, इधर बहुत घबराए हुए हैं बीजेपी के वाले लोग। वो अपना चेहरा आईने में नहीं देख रहे हैं, वो दूसरों को कह रहे हैं कि 12 बजे उठते हैं, ये दूसरों के लिए प्रचार कर रहे हैं कि समाजवादी लोग 12 बजे उठते हैं। ये नौजवान सही कह रहा है, जब से बुंदेलखंड के लोगों ने फैसला लिया है कि इतिहास रचेंगे, बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। और 12 बजे न बजे, इनके चेहरे देख लो, इनके चेहरों पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और रहे बचे, जब वोट डालोगे इनके 12 बजा देना। इधर बीजेपी वाले बहुत घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, सुना होगा आपने, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। बताओ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, लेकिन जब से माताओं बहनों ने लाल लाल सिलेंडर इन्हें दिखा दिए, गैस के सिलेंडर खाली दिखा दिए, इनका डोर टू डोर कैंपेन बंद हो गया, अब कैंपेन नहीं हो पा रहा। और ये बीजेपी वाले लोग याद कर लेना, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा, याद है कि नहीं याद है? और डीजल पेट्रोल महंगा कर करके गरीबों को मजबूर कर दिया है गाड़ी न चलाएं। बताओ डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल 100 के लगभग हो गया कि पार हो गया? इनकी सरकार बन गई तो आपको पेट्रोल 200 रुपए खरीदना पड़ जाएगा। पेट्रोल 200 रुपए बेचेंगे। और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जानते होंगे, ये राशन पहले नवंबर तक दे रहे थे, पहले ये तय था कि नवंबर तक राशन देंगे, और अब तय किया इन्होंने कि मार्च तक राशन देंगे।
बताओ बीजेपी वालों, मार्च के बाद राशन कौन देगा? ये जो राशन है ये वोट के लिए, वोट चाहते हैं इसलिए राशन दे रहे हैं। और ये बात अगर मेरी नहीं मानते हो तो इनका घोषणा पत्र और इनका वो पढ़ लेना आप, जो बजट आया है दिल्ली वाला। दिल्ली वाले बजट में राशन का पैसा खत्म कर दिया। बताओ पैसा खत्म कर दिया बजट में कि नहीं कर दिया? जो लोग बजट में पैसा नहीं रख रहे हैं वो राशन क्या देंगे? और राशन केवल इसलिए दे रहे हैं कि वोट मिल जाए। लेकिन हम समाजवादी लोग आपको कह करके जा रहे हैं, याद करना बुंदेलखंड के लोगों, गरीबों को कभी घी और सरसों का तेल नहीं मिला था, समाजवादियों ने बांट करके दिखाया था। इस बार भी अगर हमें गरीबों को राशन से लेकर के अगर उन्हें पौष्टिक आहार कैसे मिले, घी और सरसों के तेल का इंतजाम करना पड़ेगा तो हम लोग इंतजाम करेंगे। और 5 साल नहीं, समाजवादी सरकार जब तक रहेगी तब तक गरीबों को राशन देने का काम करेंगे। बताओ बुंदेलखंड के लोगों, घी कैसे बांटा था, सरसों का तेल बांटा था? और जब मैं रथ यात्रा पर आया था हमीरपुर, हमसे पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि बुंदेलखंड को क्या विशेष करोगे। हमने कहा कि अपने किसानों की हम मदद करेंगे और किसानों को सुविधाएं देंगे। इधर जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे कि बीजेपी के लोग आज खाने का तेल जो है वो विदेश से मंगा रहे हैं। ये विदेश से मंगा रहे हैं, विदेश से, जिनका आप बड़ा बड़ा विज्ञापन टीवी पे देखते होंगे, वो तेल मिलावट का है, सरसों के तेल का नहीं है। वो मिलावट का तेल खा रहे हैं, रिफाइन वाला। आप अगर कोई चीज शुद्ध है शरीर के लिए तो वो हमारा घी है या शुद्ध सरसों का तेल है? इधर बताओ सरसों का तेल कहां पहुंच गया है, कीमत क्या है? ये सरकार ऐसी है, अगर हमारा किसान सरसों पैदा करता है तो सरसों की कीमत नहीं दे पा रही है, अगर किसान खाद चाहता है तो खाद नहीं दे पा रही है, डीएपी अगर उसकी जरूरत है तो डीएपी नहीं दे पा रही है, और बोरी अगर खाद की ले भी आया किसान तो बताओ बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसानों को सरसों को लेकर के अगर हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, सरसों की सही कीमत और खरीदने के लिए हमें मंडी से लेकर के खरीद केंद्र खुलवाने पड़ेंगे तो खोलेंगे। वहीं तिल की पैदावार कैसे बढ़े, दलहन की पैदावार कैसे बढ़े, हमारे बुंदेलखंड के किसानों के लिए अगर विशेष पैकेज देना पड़ेगा, विशेष किसानों की मदद करनी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में उनकी मदद करेंगे। और यहीं पर सरसों का तेल पैदा हो कर करके चाहे कारखाना लगाने के लिए, चाहे हमें कारखाना लगाना पड़े, हमारे बुंदेलखंड के जितने जिले हैं ये हमारे प्रदेश के सरसों के तेल की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए चाहे हमें यहां पर सरसों के तेल के निकालने के लिए बड़ा कारखाना या उद्योग लगाना पड़े, चाहे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ देना पड़े, हम 300 करोड़ रुपए भी दे करके सरसों के तेल का कारखाना लगाएंगे और वही किसानों को सरसों की सही कीमत दिलाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। जब तक हम किसानों की मदद नहीं करेंगे तब तक हमारा किसान खुशहाल नहीं हो सकता। ये बीजेपी के लोग किसानों के दुश्मन हैं। बताओ ये जो 3 काले कानून आ रहे थे, ये किसानों की खेती छीनने के लिए थे कि नहीं थे?
और 750 किसान आत्महत्या कर लिया, शहीद हो गया, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं। जैसे ही चुनाव पंजाब का आया, यूपी का आया, तीनों कानून वापस ले लिए कि नहीं ले लिए। मैं ये कह के जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, कान पकड़ करके अगर 700 उठक बैठक भी लगाएंगे तब भी हमारा किसान और नौजवान इनको माफ करने वाला नहीं है। बताओ किसान भाइयों, नौजवानों, माफ करोगे नहीं? 750 किसान शहीद हो गए और जो कानून लाए थे उससे जमीन छिन जाती। अभी जिस तरीके से विदेश से आपका तेल आ रहा है खाने का, विदेश से सब चीजें आ रही हैं, ये विदेश से मंगा करके और कुछ उद्योगपतियों की मदद कर करके हमारे किसानों को मारने की साजिश थी। इसलिए ये चुनाव न केवल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है बल्कि उत्तर प्रदेश के किसानों को बचाने के लिए है। बताओ उत्तर प्रदेश के साथ साथ किसानों को बचाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? हमारे नौजवान जो पढ़ना लिखना चाहते हैं, इस बदलती हुई दुनिया में नौकरी और रोजगार करना चाहते हैं, नई नई चीजें आ गई हैं दुनिया में, नई नई तरह की पढ़ाई आ गई, और अभी जब कोरोना आया था, अगर कहीं कोई मदद कर रहा था तो आपकी समाजवादी सरकार की बनी हुई एम्बुलेंस आपकी मदद कर रही थी। वो एम्बुलेंस मदद कर रही थी, ये सरकार न दवाई दे पाई, न इलाज दे पाई, न अस्पतालों में बिस्तर दे पाई और न ही ऑक्सीजन दे पाई। न जाने कितने लोगों की जान चली गई, अभी तक उसकी गिनती भी सरकार नहीं बता पा रही। बताओ कोरोना के समय पर जान चली गई कि नहीं गई जान? और ये सरकार अभी भी स्वीकार नहीं कर रही है। कोरोना के समय सब कुछ बंद हो गया, कारोबार, उद्योग, बाजार सब बंद था। अगर कोई मेहनत कर रहा था तो हमारा किसान और हमारा गरीब खेतों में जाकर के मदद कर रहा था, मेहनत कर रहा था। अगर किसी ने अर्थव्यवस्था बचाई, देश को बचाने का काम किया, तो हमारे किसानों ने बचाने का काम किया। और इस कोरोना के समय देखा होगा, बहुत सारे लोगों को मोबाइल पे पढ़ना पड़ा, लैपटॉप जो समाजवादियों ने दिया था वो अभी भी चल रहा होगा। अगर जिस किसी के घर में समाजवादी सरकार में मिला होगा लैपटॉप, वो आज भी बंद नहीं हुआ है, आज भी चल रहा है। और ये जो बाबा जी ने लैपटॉप दिया है, किसी को मिला कि नहीं मिला? तो ये लखनऊ में किसको बांट रहे थे, आपने लखनऊ में बांटते देखा कि नहीं देखा? उन्होंने लैपटॉप भी बांटा लखनऊ में, उन्होंने स्मार्टफोन भी बांटा, बताओ यहां किसी को मिला कि नहीं मिला? और वो जो टैबलेट बांटी थी, वो टैबलेट मिली कि नहीं मिली? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कभी सोचो क्यों नहीं बांट रहे हैं, क्योंकि वो खुद चलाना नहीं जानते। इधर तो ये सब स्मार्टफोन चलाने लगे हैं, इनको किसी को सिखाने का नहीं पड़ा। बताओ चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो? और अब तो दुनिया ऐसी बदल गई है कि अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहोगे तो बताओ है जानकारी उसमें कि नहीं है? अगर कोई सामान खरीदना चाहो तो सामान मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? और कई कस्बों में, कई शहरों में कोई भी चीज मंगाना चाहोगे, कोई भी चीज खाना चाहोगे तो बताओ मोबाइल से मिल रही कि नहीं मिल रही? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि इस बदलते हुए माहौल में, बदलते हुए समय में, अगर हमें कंप्यूटर से जुड़ी हुई नौकरी के लिए नौजवानों को पढ़ाने के लिए साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग भी देना पड़ा, और 22 लाख हमने कहा है कि नौकरियां नौजवानों को कंप्यूटर से जुड़ी हुई और आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई देने का काम करेंगे। 22 लाख, और ये कह रहे थे
बीजेपी वाले कह रहे थे डिजिटल इंडिया बनाएंगे, ये बीजेपी वाले कह रहे थे हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, याद है कि नहीं याद है? और इनके डिजिटल इंडिया में क्या हुआ कोई बताए हमें? ये डिजिटल नहीं हुए, ये कोई मदद नहीं की है, लेकिन अमेरिका जैसी बड़ी कंपनी अगर जानकारी करोगे तो वो मोबाइल से कंडे भी बेच रही है। बताओ कंडे बेच रही कि नहीं बेच रही? अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हमारे कंडे खरीद के हमें ही बेच रही। डिजिटल इंडिया के बहाने वाले लोग बताओ डिजिटल इंडिया कहां है? ये लोग हमारी आपकी मदद नहीं करना चाहते, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करना चाहते हैं, गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरना चाहते हैं। अभी हाल में ही आपने पढ़ा होगा कि 28 बैंकों का पैसा लेकर के उद्योगपति भारत छोड़ के भाग गया। बताओ उद्योगपति भागा कि नहीं भागा? और इससे पहले कई लोग भागे पैसा लेकर के, नहीं भागे? और वो लोग जो भागे वो कहां के हैं बताओ? तो बताओ बचाओगे उनसे कि नहीं बचाओगे? प्रदेश को बचाओगे? और अगर नहीं बचाओ सोचो उत्तर प्रदेश भी न जाने का। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री, बाबा मुख्यमंत्री अभी तक तो हमें लगता था कि ये कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं, इधर पता लगा है स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते, तो हमें लगता है कि वो चला लेते होंगे। बताओ आज के जमाने में, आज के जमाने में सोचो। इसलिए ये हमारे नौजवान कह रहे थे और बहुत सारे लोग मंच पे भी कह रहे थे कि इस संस्था को यूनिवर्सिटी तक ले जाने का काम करो। अगर किसी समय पर श्री भवन जी ने संस्था खड़ी की है, समय से जिसने भी मदद की हो उनके अपने प्रयासों से अपने मेहनत से उन्होंने ये खड़ी की है संस्था। अगर यहां के संस्था के लोग और उनके परिवार के लोग अगर चाहेंगे कि नए जमाने के हिसाब से यहां पे नए कोर्सेज हों जिससे कि हमारे नौजवानों का भाग्य बन जाए, भविष्य बन जाए, तो अगर यूनिवर्सिटी भी बनानी पड़ेगी तो समाजवादी सरकार में इनकी मदद करने का काम हम लोग करेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भाग्य बन जाए। हम लोग भाग्य बनाना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये चुनाव बदहाली से खुशहाली की तरफ चुनाव है, इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं लोधी चंद्रवती वर्मा, ये राजनीति में पहली बार आई हैं और पहली बार आपके बीच में चुनाव लड़ रही हैं। बताओ इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और जो समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है, तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिजली का जब से 300 यूनिट फ्री की है तब से उन्हें करंट लग गया है और ऐसे शौक में चले गए हैं कि बिजली के कारखाने का नाम नहीं बता पा रहे हैं। अरे पत्रकार साथियों, आप तो कई बार देखे होंगे, मिले होंगे उनसे, उन्होंने अगर एक भी बार बिजली के कारखाने का नाम लिया हो तो बता दो। समाजवादी सरकार थी तो ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगवाया था। बताओ बाबा जी के मुंह से कभी सुना 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट?
क्या वो कह सकते हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, ये बिजली का कारखाना यहां लगा, और कभी यमुना पार कर करके देख लेना वहां पर, बताओ वहां भी लग रहा है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट और निवेली लिग्नाइट कंपनी है। ये प्लांट लग जाते तो आज आपको इतना बिजली का बिल महंगा नहीं देना पड़ता। समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट तो फ्री होगी होगी, इसके साथ साथ किसानों की सिंचाई भी पूरी फ्री होगी, एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। समाजवादी सरकार थी तो अपनी माताओं बहनों को हम 500 रुपया समाजवादी पेंशन दे रहे थे। हमारे बहुत सारे लोग हैं वो जानते होंगे कि हम लोग बड़ी संख्या में माताएं बहनों को समाजवादी पेंशन दे रहे थे। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 500 नहीं 1500 रुपया महीना और साल के 18000 रुपए देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ हमारी बेटियां पढ़ी लिखी बने, आगे बढ़े, उन बहनों के लिए कन्या विद्याधन जो योजना चलाई गई थी उसमें 36000 रुपया देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। महिलाओं को विशेष पुलिस में भर्ती या सरकारी उत्तर प्रदेश में 33% उन्हें आरक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारे किसानों की कोई पैदावार होगी, आप जानते होंगे समाजवादी सरकार थी तो मंडियां बन रही थी, बड़ी बड़ी मंडी हर जगह बनी है, मंडियां बनाई थी, मंडी बनेगी और किसानों की एमएसपी पे खरीदने का इंतजाम होगा जिससे फसल का उन्हें नुकसान नहीं हो, उन किसानों को एमएसपी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए बहुत सारी हमारी पार्टी ने फैसला लिया है, जो और सुविधाएं देनी होंगी, चाहे सड़क बना करके या और सुविधाएं देनी पड़ेंगी, तो आपको कहीं और भागना नहीं पड़ेगा, आपको सभी सुविधाएं यहीं मिल जाएंगी, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग अपनी सरकार में करने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे अपील करता हुआ हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ लेना, किसानों नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और उत्तर प्रदेश की खुशहाली के लिए है। ये अगर एक्सप्रेस वे कोई बनाना शुरू किया है, बड़ी बड़ी सड़कें, तो समाजवादियों ने शुरू की थी सड़कें बनाना, और ऐसी सड़कें बनाई क्या जरूरत पड़ेगी तो अगर हवाई जहाज भी उतारना पड़ेगा सड़क पर तो आप हवाई जहाज भी उतार लोगे, ये समाजवादियों ने इंतजाम किया था। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो उतरे थे हवाई जहाज से, ये उनकी देन नहीं थी, अगर किसी का फैसला था तो समाजवादियों का फैसला था, समाजवादियों की वजह से ऐसी सड़कें बनी हैं। इसीलिए एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड के हर जिले को जोड़ने के लिए, अपने किसानों को सुविधाओं के लिए और नौजवानों को बुंदेलखंड छोड़ करके बाहर न जाना पड़े मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए, उसके लिए यही इंतजाम करेंगे जिससे कि हमारा बुंदेलखंड भी खुशहाल हो जाए। और अगर खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, अन्ना जानवरों से बचाने के लिए अगर हमें कोई ठोस फैसला लेकर के अगर आगे कदम उठाने पड़ेंगे तो बजट में इंतजाम कर करके यहाँ के बुंदेलखंड की जनता की मदद करने का काम करेंगे। मुझे याद है सबसे पहले जब समाजवादी सरकार बनी थी 2016 में, पानी को लेकर के तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले फैसला लिया था कि जहां पर बड़े बड़े जलाशय हैं या डैम है या कोई स्थान ऐसा है जहां से पानी घरों में पाइप से पहुंचाया जा सके, तो मुझे याद है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शुरू किया था। और उनका देख करके उन्होंने जब प्रेजेंटेशन की मुझे, तो मैंने भी फैसला लिया था, और यहां पर बहुत सारे लोगों को याद होगा मैं खुद आया था और पहला पाइप वाटर सप्लाई राठ के लिए
अगर किसी ने शुरू की थी और राठ के क्षेत्र में जितने भी गांव पड़े उनको पाइप वाटर सप्लाई से पानी पहुंच जाए, वो समाजवादी लोगों ने शुरू किया था, लेकिन इस सरकार ने बंद कर दिया। अगर सूरज से रोशन बिजली बनाने के लिए, सोलर का बिजली बनाने के लिए अगर बुंदेलखंड में कोई जिला नहीं बचा होगा जहां पर बड़े बड़े बिजली के बनाने के सोलर में पैसा न लगाया हो, आप पता कर ले महोबा, ललितपुर, झांसी, आपका जिला जालौन, हर जगह सोलर की एनर्जी से बिजली बनाने का इंतजाम शुरू हो गया था। जितना इंतजाम समाजवादियों ने किया उससे आगे भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ा पाई। समाजवादी सरकार बनेगी तो और बिजली का उत्पादन के लिए चाहे हमें सरकार का पैसा लगाना पड़े, हम लोग लगा करके बिजली को सस्ती और 300 यूनिट फ्री कर करके और किसानों की सिंचाई मुफ्त करेंगे। ये समाजवादियों की सरकार में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोधी चंद्रावती वर्मा जी के सहयोग और समर्थन के लिए वोट मांगने आया हूं। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? बीजेपी के झांसे में तो नहीं आ जाओगे? बीजेपी के झूठ में तो नहीं आ जाओगे? ये जो बीजेपी झगड़ा लगाती है उसमें तो नहीं आ जाओगे? बताओ चमत्कार करोगे कि नहीं करोगे? इनको आपने भरपूर वोट दिया लेकिन बुंदेलखंड को क्या दिया? इसलिए इस बार इन्हें जीरो करके भेजोगे कि नहीं भेजोगे? इन्होंने धोखा दिया आपको कि नहीं दिया? इसलिए धोखा देने वालों को अपना एक एक वोट दे करके सबक सिखाने का काम करना। मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं कि आपके भाग्य को, आपके सपनों को और आपको पढ़ाई के बाद नौकरी रोजगार मिल जाए उसका इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।